हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद मुझे है। प्रीवियस कुछ दिनों में स्टूडेंट्स की लगातार मेल मिली कि कॉन्ट्रा एंट्री को लेकर के सर थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो इसको स्पेसिफिक वे से ही क्यों ना एक्सप्लेन कर दें आप। कैशबुक में कॉन्ट्रा का सेगमेंट सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। इसको समझने के लिए जानिए कि हमें टू अकाउंट्स के बीच में वर्क करना होता है। सर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि कैश कॉलम और बैंक कॉलम को अभी हम एग्जाम्पल पे लेंगे, अदरवाइज टू अकाउंट्स में तो टू बैंक अकाउंट भी आ जाते हैं। इसका मतलब हुआ जैसे पंजाब नेशनल बैंक PNB वर्सेस SBI बैंक अकाउंट, तो इन दो के बीच के ट्रांजेक्शन भी कॉन्ट्रा होते हैं। मगर आप आसान भाषा में कॉन्ट्रा को इस तरह समझिए कि कॉन्ट्रा का मतलब है एंट्री ऑन बोथ साइड। जब हम कैशबुक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं डबल कॉलम के लिए और इसमें कैश और बैंक कॉलम है, हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है वन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन सिर्फ हमारे पास सिंगल होगा और सिंगल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बोथ साइड होगा, मतलब डेबिट में भी होगा और क्रेडिट में भी होगा। इसलिए हम टू अकाउंट्स ले रहे हैं, जो कैश कॉलम है और हमारे पास बैंक कॉलम है। जिस तरह से आपको बोर्ड पे फॉर्मेट दिखाई दे रहा है डेबिट और क्रेडिट, घबराइए नहीं। मेरा आपको बस सजेशन इतना है कि कॉलम में आप डेबिट साइड को सिर्फ इससे रिकॉग्नाइज करिए कि प्लस, अगर आपका अकाउंट प्लस हो रहा है, मींस बैंक अकाउंट प्लस हो या फिर कैश अकाउंट प्लस हो, तो डायरेक्टली आप डेबिट में मींस लेफ्ट हैंड साइड एंट्री पास कर दीजिए। और जस्ट अपोजिट इस साइन को याद रखिए माइनस के लिए, और माइनस में आपको एंट्री क्रेडिट में करनी है। सिर्फ टू पॉइंट ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस। इसके लिए मैंने आपको और इजी ढंग से बताया, बताने के लिए ये एक चार्ट डेवलप किया है। इस चार्ट में देखिए सी रिप्रेजेंट कर रहा है कैश को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक को। हम इसमें से टू कंडीशंस को लेंगे जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉन कर रहे हैं। सर, ये डिपॉजिट वाला जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दिया जाता तो समझिए। डिपॉजिट का क्या मतलब है? हमारे पास जो बेटा कैश है, उस कैश को हम समझेंगे ऑफिस या फिर हम अपनी पॉकेट को समझेंगे कि हमारी पॉकेट की बात हो रही है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे किसको? कैश को। और जब हम बैंक की बात करेंगे तो सपोज करिए कि ये PNB बैंक है, दोनों ही सेपरेट आइडेंटिटी रहेंगी, अलग अलग एंट्री रहेगी। तो जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो डिपॉजिट में कैश का फ्लो इधर से इधर होगा, ये डिपॉजिट है, दिस इज डिपॉजिट। तो डिपॉजिट में कैश का जो फ्लो है, ये फ्लो आपका ऑफिस टू बैंक होगा, ऑफिस टू बैंक। तो डिपॉजिट में कैश का फ्लो ऑफिस टू बैंक होगा। ठीक इसका अपोजिट हम लोग करेंगे विड्रॉन के केस में। विड्रॉन के केस में बैंक टू ऑफिस। बहरहाल पहले अभी हम डिपॉजिट पे करते हैं, और फ्लो ऑफ मनी ध्यान रखिए कि फ्लो ऑफिस टू PNB होगा, मतलब बैंक में होगा, और ऑफिस को अपनी पॉकेट आप समझिए, पॉकेट से हो रहा है। ऐसी कंडीशन में कैश और बैंक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये इफेक्ट आपको सिर्फ प्लस और माइनस में देखना है। कैश माइनस हो जाएगा और बैंक प्लस हो जाएगा। सिंपली घबराइए नहीं, देखिए जब फ्लो आपका ऑफिस से बैंक में हो रहा है तो देखिए यहाँ से कुछ आइटम मूव कर रहा है ना बैंक के लिए, तो जब यहाँ से आइटम बेटा मूव करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके ऊपर इफेक्ट माइनस का होगा, और मूव करके वो आइटम यहाँ जा करके ऐड हो जा रहा है। तो जब यहाँ जा रहा है इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऐड कर रहा है। तो कॉन्ट्रा में डिपॉजिट के केस में कैश का इंपैक्ट इसी को ही साइन किया है माइनस, और बैंक में जो ये इफेक्ट है इसको किया है प्लस। और विड्रू में ठीक इसका जस्ट अपोजिट किया जाता है, कैश आपका प्लस हो जाएगा और बैंक माइनस। सर, ये थोड़ा किस तरीके से होगा? तो देखिए इसमें विड्रू के केस में यहाँ से अपोजिट लिंक, ये देखिए इधर से इधर ला रहे हैं यू, तो विड्रू में ऐसे फ्लो किया जाएगा, दिस इज विड्रू। तो विड्रू में जब भी विड्रू की बात होगी तो विड्रू के केस में आप हमेशा इधर से इधर वैल्यू को ही ट्रांसफर करेंगे। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं खाली W लिख दे रहा हूं, जो आपको हेल्प करेगा। अब ये साइन जब आपको क्लियर हो जाते हैं
तब मैं आता हूं इसकी कंडीशन पे। तो यहां पर हमारे पास टू कंडीशन है, एक डिपॉजिट की है और एक कंडीशन हमारे पास विड्रॉन की है। पहले हम स्टार्ट करेंगे डिपॉजिट को लेकर के। डिपॉजिट पे मैंने ये कंडीशन ली है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। ये एक ट्रांजैक्शन है, कुछ लैंग्वेज चेंज हो सकती है अलग अलग बुक्स के लिए। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, इसका मतलब है कि मनी 10,000 यहाँ से यहाँ फ्लो कर गई। तो इस जगह पर मनी 10,000 जो है ऑफिस से बैंक में फ्लो कर गई और बैंक में ₹10,000 इंक्रीज हो गए। तो बैंक जब 10,000 इंक्रीज हो गया तब क्या होगा? तो बेटा जर्नल एंट्री अगर आपको आती है तो आप इसकी जर्नल एंट्री ये पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। इफेक्ट इसका क्या होगा? दिस इज द सिंपल इफेक्ट। ये सिंपल इफेक्ट है कि बैंक प्लस हो गया और कैश जो है वो माइनस हो गया। इसी को यहां पर समझाने की कोशिश करी थी, बैंक प्लस हो गया। अब हम सिर्फ अगर इसकी एंट्री बेटा करें तो किस तरह से इसकी एंट्री करते हैं कैश बुक में, इसको समझिए। अब हम बैंक को रिकॉग्नाइज करते हैं, मींस हम यहां स्टैंड कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम बैंक से भी कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बैंक को, कि हम बैंक अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम कैसे इसकी एंट्री करें। बहुत ही आसान है, आप कैशबुक के फॉर्मेट पे आ जाइए। कैशबुक के फॉर्मेट में अब ये देखिए कि इंक्रीज किधर है, प्लस किधर है। क्या प्लस हमें क्रेडिट में करना होता है? नहीं सर, यहाँ तो माइनस का साइन है। तो प्लस हमें कहाँ करना हुआ? डेबिट में। तब हम लोग बेटा आ जाएंगे डेबिट पे। घबराइए नहीं, बहुत ही ईजी है। जब हम डेबिट पे आएंगे तो कोई भी डेट हो सकती है। सपोज करिए कि हमारे पास ये ईयर 2020 का है और ये डेट हमारे पास जो गिवन है वो 1 अप्रैल गिवन है। तो 1 अप्रैल पे हमें एंट्री करनी होगी। ये तो क्लियर हो गया कि हमको एंट्री डेबिट में करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम बैंक को प्लस कर रहे हैं। जब बैंक को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में लिख लिया जाता है 2, क्योंकि आपको पता है कि डेबिट की स्टार्टिंग हम 2 से करते हैं और क्रेडिट की हम 2 से करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम पर्टिकुलर से स्टार्ट करें या हम अमाउंट से स्टार्ट करें। तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ, चलिए हम अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, ये इजी पड़ता है। अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। अमाउंट के केस में अब देखिए प्लस करना है, तो हमें प्लस किसको करना है? क्या कैश को प्लस करना है या हमें बैंक को प्लस करना है? देखिए सर, इस तरह तो बैंक प्लस हो रहा है क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक प्लस करना है, इसलिए हम बैंक के कॉलम पे अमाउंट मेंशन कर देंगे 10,000। तो क्या सर कैश कॉलम में कुछ नहीं करेंगे? कैश कॉलम बेटा नहीं करेंगे, क्योंकि कैश कॉलम में देखिए माइनस का इंपैक्ट हो रहा है। चार्ट पे भी देखिए कैश का माइनस का इंपैक्ट हो रहा है। यहां पर देखिए कैश मूव कर रहा है, तो कैश पे हमको इफेक्ट देना है माइनस का, और माइनस का इफेक्ट देने के लिए हमें जाना होता है क्रेडिट साइड। इसलिए यहाँ कैश प्लस तो नहीं हो रहा, इसलिए हमने उसको गैप कर दिया, डैश कर दिया। अभी उधर भी आते हैं। अच्छा, अब सर पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? समझ लीजिए, पर्टिकुलर का मतलब होता है कि यहाँ हमें रीजन लिखना है कि किस वजह से बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है, आप रीजन अपने माइंड पे रखिए। अब बैंक में अमाउंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया, कैश की वजह से बैंक इंक्रीज हुआ। सो सिंपल, हम यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट। और एक इंपॉर्टेंट बात, लेजर फोलियो में सी लिखना जरूरी है। ये सी डिनोट करता है कि कॉन्ट्रा है, और कॉन्ट्रा का मतलब जितना ट्रांजैक्शन डेबिट में हो रहा है उतना ही हमको क्रेडिट में करना है, इसलिए सी डिनोट करता है। और जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तब लास्ट में हम लोग सी को काउंट कर लेते हैं। सर क्या ये कंप्लीट हो गया? मगर आप तो कह रहे थे कि ट्रांजैक्शन तो 1 होता है मगर उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं और एंट्री बोथ साइड होती है। अभी तो आपने डेबिट में किया। घबराइए नहीं, अभी से हमने डेबिट में किया है, क्रेडिट में आपको एंट्री बताते हैं। बहुत ही ईजी है क्रेडिट को एंट्री करने के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक ट्रिक ध्यान रखिए। ट्रिक सिंपल सी आपकी रहेगी, अपोजिट, ठीक उल्टा, अपोजिट, बस इतना ध्यान रखिए, इजिली आप कर लेंगे। कैसे करते हैं ये देखिए। अब सबसे पहले ये आप समझ गए कि ईयर हमारे पास 2020 था, हमने ईयर ले लिया, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने डेट ले लिया 1 अप्रैल, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहीं से अपोजिट का खेल शुरू है, बहुत ध्यान देखिएगा, अपोजिट का खेल शुरू है। क्या 2 का अपोजिट? हाँ बहुत सही बोला, 2, बिल्कुल ठीक। कैश का अपोजिट यहाँ क्या है? बैंक, बहुत सही, आपके दिमाग में आ रहा है बैंक अकाउंट। उसके बाद क्योंकि डिपॉजिट साइड था इसलिए कॉन्ट्रा,
अब देखिए यहाँ कैश ब्लैंक था, जब कैलेश कैश अकाउंट का कॉलम ब्लैंक था तो अब हम यहाँ फिल कर देना है, तो फिल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे हाउ मच 10,000। अब यहाँ पर देखिए बैंक हमारा कितना लिखा है 10,000 लिखा है, तो इसको अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे। यहाँ फिल था खाली कर दो, खाली था भर दो, कैश था बैंक लिख दो, टू था बाय लिख दो, सिंपल। ये हो गया हमारा डिपॉजिट का। सर एक बार तो आपने ये बताया यहाँ पर हमने बैंक को लेकर किया, तो अगर हम इसी एंट्री को मान लीजिए कैश लेकर के करते तो क्या सर ये कुछ उल्टा होता? नहीं बेटा, कैश लेके भी करते तो यही होता। सर एक बार कैश लेकर के बता दीजिए। चलिए डिपॉजिट को ही मैं एक बार कैश के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर देखिए कैश का इम्पैक्ट क्या हो रहा है डिपॉजिट के केस पे, बस इफेक्ट देखिए, इफेक्ट अगर इजिली समझ में आ जाए। इसके मैं लिख दिया कि डिपॉजिट में कैश क्या होता है, माइनस होता है। देखो यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है तो कैश का इम्पैक्ट क्या हुआ, माइनस हुआ। तो जब माइनस हुआ तो बस ये ध्यान रखिए कि हमें डेबिट में करना है या क्रेडिट में। माइनस किधर है, क्रेडिट में। सर हम क्रेडिट में करेंगे, तो बेटा क्रेडिट में ही हम इसको कर लेते हैं। फिर सजेस्ट किया मैंने आपको क्या कॉलम, कौन सा अमाउंट का, अमाउंट से शुरू करिए। तो अब अमाउंट में हम आते हैं, कैश को लेकर चल रहे हैं ना, कैश माइनस हुआ है तो अमाउंट का हम कैश कॉलम देखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अमाउंट के कैश कॉलम में लिख दे रहा हूँ सिंपल, और सी लिख दे रहा हूँ क्योंकि डबल साइड एंट्री होनी है, डैश कर दे रहा हूँ। इंक इसलिए बदल दी कि आपको याद रहे कि ये हम कैश के थ्रू हमने आपको समझाया। दूसरी चीज, जब यहाँ कैश है तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या आएगा, बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट। एक और ध्यान देने वाली बात है बेटा, कुछ रूल जैसी बात दिमाग में रख लीजिएगा या ट्रिक समझ लीजिएगा, पर्टिकुलर वर्सेस अमाउंट, अमाउंट वर्सेस पर्टिकुलर। अगर अमाउंट आपका कैश में है तो जस्ट अपोजिट ही पर्टिकुलर में आएगा, मतलब बैंक, और अगर अमाउंट आपका बैंक में है तो पर्टिकुलर में जस्ट अपोजिट आएगा। अरे सर तो इस रूल को सिंपल सा आप ऐसे क्यों नहीं कह देते कि ये रूल हम इस तरह कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इज नॉट इक्वल टू अमाउंट। बिल्कुल सही, पर्टिकुलर इज नॉट इक्वल टू अमाउंट, मतलब अगर पर्टिकुलर कैश है तो ये कैश नहीं हो सकता, पर्टिकुलर अगर बैंक है तो ये बैंक नहीं हो सकता, मतलब पर्टिकुलर अगर बैंक है तो जस्ट अपोजिट कैश होगा, अगर ये कैश है तो ये बैंक होगा। अब इसके बाद आते हैं, इसी को कंप्लीट कर देते हैं। बेटा हमने डेट लिख दी अप्रैल, ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। कहाँ सर कंप्लीट हुआ, डेबिट तो बचा हुआ है। बेटा डेबिट इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, मैंने यही तो बोला ठीक उल्टा। तो देखो ठीक उल्टा क्या, डेट तो हमारी यही चलेगी 1 अप्रैल, आफ्टर देन उल्टा 2 का उल्टा बाई, तो वहां बाई का उल्टा 2, बैंक का उल्टा कैश, कॉन्ट्रा होना है यहां पर, देखो कैश फिल है तो इसको खाली कर दो, खाली कर दिया। यहां पर बैंक खाली है तो इसको क्या कर दो, फिल कर दिया। तो ये मैंने आपको यहां पर ये एक्सप्लेनेशन दिया किस चीज का, जब एक बार हमने कैश के थ्रू किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था इफेक्ट ऑफ बैंक, कि जब हमने बैंक से शुरू किया। दोबारा मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको दिया कि जब मैंने कैश से शुरू किया, तो कैश के भी तरीके से बताया कि शुरू कैश से कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं, और ये डिपॉजिट की कंडीशन हमारी कंप्लीट होती है। घबराइए नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा ये टिपिकल है, मगर एक बार इस कॉन्ट्रा को आप रिवाइंड करके देखेंगे तो उम्मीद रखता हूँ या विश्वास भी पूरा है कि आप उसको ढंग से कर लेंगे। टिपिकल है, एक बार देखने की जरूरत होगी, घबराइए नहीं। ये हम लोगों ने पोर्शन किया कब, जब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है। अब